आज हमने राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये पोल खोल धा बोल का अभियान एक महीने से लगातार चल रहा है। आज हमारा 13 अगस्त को आज हमारा समापन है इस पोल खोल धा बोल का, और आज सभी बिजली घरों पर ये सभी जिलाकाई और सभी लोग कर रहे हैं इसको जो है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में 260 रुपये से 350 रुपये का भार हमें बढ़ाने का काम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव वालों पर, वो वापस लिया जाए, अन्यथा राष्ट्रीय लोकदल इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेगा, चुप बैठने का काम नहीं करेगा। आज यहाँ पर बोदला मारुति स्टेट 33 KV स्टेशन, यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ पर जो है किसानों की मांगों को लेकर हम चाहते हैं कि गांव में उत्तर प्रदेश सरकार 24 घंटे का बिजली देने का वादा किया है इन्होंने जो है। मैं जानता हूँ 24 घंटे क्या, बिजली गांव में 12 घंटे भी नहीं आती है। ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार जितनी जो फेल हुई है उस उत्तर प्रदेश में वो जी समय लो के ये सरकार बहुत ही अश्निमिली रही है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये किसान के दुख दर्द को देखें वास्तविकता से, तो वास्तविकता से किसान के दर्द को देखने वाला कोई नहीं है सिवाय चौधरी साहब के अलावा कोई भी नहीं है। आज बोदला स्थित मारुति स्टेट पर जो 33 KV सब स्टेशन है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। ये हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल की पिछले एक महीने से पोल कोल धावा बोले अभियान के तहत किसानों की समस्याओं को लेकर मांग चल रही थी उनको लेकर किया गया है। इसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि जो किसानों को बिजली कम मिल पा रही है, 24 घंटे बिजली का ऑर्डर है इसमें 7 से 8 घंटे मिल पा रही है, किसानों के जो बिल में वृद्धि होकर आ रही थी उस वृद्धि को लेकर हमारा ये प्रदर्शन है, और जो तार जर्जर हुए हैं ट्रांसफार्मरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, इन सारी मांगों के लिए आज हमने धरना दिया है। और इसमें अगर इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत जल्दी इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकदल करने का काम करेगा, और उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आज पिछले एक मंथ से जो पोल खोल धावा बोल का आंदोलन चल रहा है, माननीय जैन जी के निर्देशानुसार आज कार्यक्रम का समापन है 13 तारीख को किया। सारे प्रदेश में ही सभी उप केंद्रों को घेरा गया है, माननीय जैन जी के निर्देश से जितने भी सभी जिलों के उप केंद्रों को सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह घेरा जाएगा। आज सभी केंद्रों को घेरा गया, घेर के उससे उप केंद्रों के सभी लोगों को ज्ञापन के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन